एम आई टी वी वाई फाई कनेक्टेड प्रॉब्लम, यहाँ पर जो है ना काफ़ी लोगों को ये जो है दिक्कत आ रही है। मैंने इस पर काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाया है, लास्ट वीडियो भी मेरी इसी पे थी जिस पे मैंने आपको बताया था कि एम आई टी वी में कैसे आप वाई फाई को कनेक्ट कर सकते हो। यार एक बात बताओ, जब मैंने आपको क्लियरली वीडियो में बता दिया है कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हो, मैंने आपको बताया भी था कि डेटा सेवर जब आपको ऑन करना है उसके बाद टी वी को रिस्टार्ट भी करना था, लेकिन काफ़ी लोगों को अभी भी दिक्कत आ रही है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि कैसे उस इशू को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे जो लास्ट से लास्ट वीडियो जो मैंने एम आई टी वी पर बनाया था उस पर 13,000 व्यूज़ थे, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया कि हाँ उस पर इशू सॉल्व हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया, उस पर भी आप लोगों को मैंने बताया कैसे एम आई टी वी पर इशू सॉल्व कर सकते हैं। काफ़ी लोगों के इश्यूज सॉल्व हो गए, लेकिन काफ़ी लोग मेरे को ऐसे डीमोटिवेट कर रहे हैं कि यार उनका इशू सॉल्व हुआ ही नहीं है। तो यार इशू सॉल्व नहीं हुआ तो कमेंट करो ना, डिसलाइक वीडियो को क्यों कर रहे हो, और कर रहे हो तो करो ना, मेरे को कुछ नहीं आता। ठीक है, आप लोगों ने उस वीडियो में डिसलाइक ज़्यादा किए हुए हैं लाइक से, तो मेरे को कुछ नहीं जाता उसमें, लेकिन आप लोगों की जो इशू है ना उससे सॉल्व नहीं होगी। आप लोग अगर कमेंट करोगे, मुझे मैसेज करोगे, तभी मैं उस चीज़ को सॉल्व कर पाऊँगा। ऐसे नहीं कर पाऊँगा कि आप लोग बस लिख के डिसलाइक करके चले जाओगे वीडियो को और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर मेरे टीवी में आप देख लो, मैं आपको यूट्यूब में चला के दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देखो कि मेरा इशू बिल्कुल भी नहीं आ रहा। आप एक बार भी कोई भी वीडियो स्टक नहीं होती, मैं आपको वीडियो भी चला के दिखा देता हूँ, कोई भी वीडियो कहीं भी स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर ये 4K वीडियो मैं चला रहा हूँ 60 FPS पे, आराम से क्लियरली आप देख सकते हो वीडियो चल रही है। मैं आपको वीडियो के एंड में भी ये भी दिखाऊंगा कि वीडियो स्किप भी कर सकते हो आप। पहले वीडियो स्किप करने पर क्या हो रहा था कि वीडियो पॉज हो जाती थी और रेंडर ही होती रहती थी, लेकिन अब वो इशू भी मेरी यहाँ से सॉल्व हो चुकी है। आपको मैं करके दिखाता हूँ, सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर मैं चले जाता हूँ सेटिंग्स में। ठीक है, वाईफाई मेरा कनेक्टेड है, यहाँ पर आप देख सकते हो वाईफाई मेरा कनेक्टेड है। मेरा वाईफाई जो है ब्रॉडबैंड का है, क्वाडप्ले का, कोई इशू मेरे को मोबाइल डिवाइसेस में भी नहीं आता और इसमें भी अब नहीं आ रहा। पहले आता था, अब नहीं आ रहा। और उस इशू को सॉल्व करने के लिए आपको सिंपली से जो मैंने मेथड बताया था ना उससे सॉल्व हो जाएगा आपका इशू। लेकिन आप लोग अगर कहते हो कि आपका इशू अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, तो आप सिंपली से क्या करो कि डेटा सेवर मेरा देख सकते हो आप ऑन नहीं है, ऑफ कर रखा है मैंने। नीचे डेटा अलर्ट्स भी आप देख सकते हो ऑफ किया हुआ है मैंने, कोई इशू अभी भी नहीं फेस हो रही है इस चीज़ में। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफ है और यहाँ पर भी ऑफ है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, सिंपली से ना इसको ऑफ जब आप करते हो, आप जब रीस्टार्ट करते हो तो आपका ये बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको डिवाइस भी रीस्टार्ट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, डेटा सेवर ऑन ही रहेगा, मैं वीडियो को बिल्कुल भी एक भी जगह से कट नहीं करूँगा जिससे कि आपको ये ना लगे कि मैंने फेक बनाया है वीडियो। यहाँ पर आपको देख सकते हो आप लोग, मैं वीडियो को दोबारा से जो है टीवी को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर मैं चलता हूँ दोबारा से सेटिंग में और जाकर आपको दिखाता हूँ डेटा सेवर ऑन है कि ऑफ है। डेटा सेवर आप लोगों ने देख लिया था, डिवाइस रीस्टार्ट करने से पहले ऑफ था और अभी भी ऑफ ही है। ये चीज़ आपको इसलिए इशू फेस करनी पड़ी होगी कि आप क्या करते हो, डिवाइस को डेटा सेवर ऑफ करके, डेटा अलर्ट्स को ऑफ करके आप टीवी को बंद कर देते हो डायरेक्टली। आपको नहीं करना वैसा, आपको डेटा सेवर और इसको ऑफ करने के बाद थोड़ी देर टीवी को चले रहने देना है, आपको यूज़ करना है कुछ भी। आप वाईफाई कनेक्ट करके आप कुछ भी यूज़ करो, 500 MB तक का आप डेटा यूज़ कर लो एक बारी में। ठीक है, करने के बाद आप टीवी को ऑफ करो, डायरेक्टली ऑफ मत करना। ऑफ़ करोगे तो दोबारा से ये ऑन हो जाएगा डेटा सेवर। ठीक है, आपको इसको ऑफ करने के बाद थोड़ी देर टीवी को यूज़ करते रहना है। ठीक है, लगभग आप 5 से 10 मिनट या 20 मिनट कोई वीडियो देखो जिससे कि 500 MB एक्सीड हो जाए, उसके बाद आप टीवी को ऑफ करो और ऑफ़ करने के बाद देखो डेटा सेवर ऑन है कि ऑफ है। और मैं ये 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, आपको इस चीज़ को करने के बाद आपका टीवी में कोई भी इशू नहीं आएगा और सिंपली ये इशू आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी कोई भी इसमें रिसेंटली अपडेट नहीं आया है, जो मैंने लास्ट वीडियो बनाया था तब से लेके अभी तक कोई भी इसमें अपडेट नहीं आया है। अपडेट आएगा तो मैं वीडियो बनाता ही हूँ एम आई टी वी पे, तो वो चीज़ भी मैं आपको दे दूँगा। और मॉडल नंबर मेरा आपको पता ही है टी वी का क्या है, मैं एक बार आपको सेटिंग में भी जाकर दिखा देता हूँ। ठीक है, और कौन से वर्जन पर ये रन हो रहा है वो भी आपको दिखा देता हूँ। मॉडल नंबर यहाँ पर आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर, एम आई टी वी 4C प्रो है ये 32 इंच, और एंड्रॉयड वर्जन 9 रन हो रहा है अभी। ठीक है, और ये सब है बाकी सब चीज़ें, और
इतना ही था इस वीडियो में, जो कि मैंने आपको बता दिया सिंपली से आपको क्या क्या मेथड यूज़ करने हैं। टीवी को डायरेक्टली बंद मत करना, फिर से बता रहा हूँ आप लोगों को, अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखते आप लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता क्या चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो ध्यान रखना आपको ये चीज़ करनी है, और एक चीज़ आपको डेट सही रखनी है अपने टीवी की, डेट जो है एग्जैक्ट डेट आपको, कभी कभार क्या होता है टीवी बंद होता है तो ऑटोमेटिक ये टाइम अपडेट नहीं कर पाता, तो टाइम को भी आपको सेट करके रखना है, जो कि इंडियन टाइम जोन के हिसाब से जहाँ पे भी आप रहते हो उस टाइम जोन के हिसाब से आपको टाइम को रखना है, जिससे कि ये डेटा चलता रहे, क्योंकि डेटा अपना टाइम जोन के हिसाब से ही चलता है। अगर आप डेटा को जो है टाइम जोन के अकॉर्डिंग नहीं चलाओगे तो वो नहीं चलेगा, ठीक है। सेकेंड चीज़ ये थी, तो इसको भी ध्यान रखना कि आपका टाइम भी सही रहना चाहिए टीवी का, तो ऑटोमेटिक टाइम जोन भी आप यूज़ कर सकते हो, जिससे कि ऑटोमेटिक ये नेट के द्वारा ये अपडेट होता रहेगा। और यहाँ पर आप टीवी में, मैंने यूट्यूब भी चला दिया आपसे बात करते करते, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा इशू सॉल्व हो चुका है, मेरे टीवी में तो सॉल्व हो ही चुका है, मैंने पहले ही कर दिया था। उस वीडियो पे मेरी जो लास्ट वीडियो थी मेरे को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, मैंने इतना बढ़िया वो वीडियो में डाला, मैंने सोचा कि आप लोगों को उल्टा हेल्प कर दूं, लेकिन वही कहते ना कि भलाई का ज़माना नहीं है, तो वही चीज़ हुई है मेरे साथ। और बस यही था वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, मैं मिलता ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।